Hi everyone, welcome to Gyanam. Today we are going to play very interesting game. और game क्या है? This is our ship and ये हमारी Suez Canal है और इस Suez Canal को हम cross करने वाले हैं, ठीक है? So let's get started. This is our power button और ये हमारा rudder angle है जिससे कि हम अपने ship की direction को change कर सकते हैं, ठीक है? So I'll increase the speed. हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा शिप जो है वो स्वेज केनाल में आगे जा रहा है और हम देखेंगे कि ये हम स्वेज केनाल से इसे क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इट इज मूविंग स्लोली आगे और अगर मैं इसको नहीं हटाऊंगी यहां से तो ये यहां जाके जो है वो कोलाइड कर जाएगा. तो मैं थोड़ा सा स्टीयर करती हूँ इसको दूसरी तरफ को, इससे पहले कि ये यहाँ पे टकरा जाए. मैं इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करती हूँ, ज्यादा नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है, वापस आ जाओ. राइट राइट राइट, सीधा सीधा सीधा, ताकि ये सीधे सीधे हमारे ओ ओ नो 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 नो, सीधा सीधा. हाँ तो हम ट्राई करते हैं ये सीधा सीधा स्वेज केनाल में आगे बढ़ता रहे और इसे विंड या लो विजिबिलिटी परेशान ना करे. ठीक है ठीक है, तो ये हमारा शिप बड़े आराम से आगे जा रहा है, अभी इतना आराम से भी नहीं जा रहा है. तो या सीधा सीधा सीधा, नो 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 नो. हाँ ओ, तो हमारा शिप कोलाइड कर गया और ऐसा ही कुछ एवर गिवन के साथ भी हुआ होगा कि लो विजिबिलिटी के कारण या जिस भी वजह से हुआ, वो एवर गिवन जो हमारा शिप था वो स्वेज केनाल में जाकर इस तरह से टकराया कि उसने पूरी की पूरी स्वेज केनाल को ब्लॉक कर दिया. Now, अब हमारे लिए क्वेश्चन ये आता है कि why this Suez Canal is important? और अगर वो ब्लॉक हो गई तो इतनी बड़ी क्या डील थी कि पूरे दुनिया में प्रॉब्लम हो गई थी. वी वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और हमारे पूरी दुनिया का काफी ट्रेड जो था वो इसकी वजह से रुक गया था. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम देखते हैं कि स्वेज केनाल पहले तो कहाँ पर है एंड वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. तो स्वेज केनाल जो है हमारी, दिस इज आवर स्वेज केनाल और ये स्वेज केनाल कनेक्ट करती है हमारे मेडिटेरियन सी को हमारे रेड सी से. यहाँ पे रेड सी है और रेड सी से और मेडिटेरियन सी को और रेड सी को बीच में कनेक्ट करती है स्वेज केनाल. ये स्वेज केनाल जो है इट इज नॉट नेचुरल, ये मैन मेड है. ये मैन मेड बनाई गई है, ह्यूमंस ने बनाई है और ये बहुत सारे लेक्स को जोड़ के बनाई है. ऐसा नहीं है यहाँ पे बीच में कोई लेक थी या कोई वाटर बॉडी थी और उस एक वाटर बॉडी को हमने जो है वो यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है. यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स हैं. यू नो सी, ऐसी लेक्स हैं लेक मांझला, लेक तिमशा, लेक ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये कुछ लेक्स हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है और एक केनाल पूरी जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में बना दी है जिसकी वजह से ये दोनों जो सी है वो कनेक्ट कर जाते हैं. नाउ इनको कनेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अफ्रीका है यहां ऊपर यूरोप है और यहां पे सारा एशिया है, राइट? और यहां पे ये कनेक्टेड था. तो यहां जब हमने ये स्वेज केनाल बनाई है, राइट, तो इस स्वेज केनाल को बनाने का रीजन ये था कि अगर यहाँ यूरोपीय और एशिया के बीच में ट्रेड करना हो तो हमें क्या होगा, हमें ऐसे जाना पड़ता है केप ऑफ गुड होप तक और वहां से फिर हमें ऐसे एशिया आना पड़ता है. वाइस वर्सा, यहां से वापस इधर जाना है तो भी यही करना पड़ेगा. और अगर ये स्वेज केनाल बनती नहीं तो ये जो टाइम वेस्ट होता, फ्यूल वेस्ट होता, पैसे वेस्ट होते, यू नो एक्स्ट्रा जो लोगों का टाइम लगता है यहाँ पे, देखो कितने सारे खर्चे जुड़े हैं, फ्यूल का हो गया, टाइम वेस्ट होगा, जो क्रू है उसको इतने दिन का एक्स्ट्रा खाना ले जाना पड़ेगा, उसकी उतनी सैलरी देनी पड़ेगी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो बहुत सारा खर्चा इसके साथ बढ़ जाता है. और दो हफ्ते से डिले हो जाता है, 2 weeks जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगता है अगर हम इस रास्ते से, इस रूट से ट्रेड करते हैं, राइट? अगर यहां से जाते हैं तो 2 हफ्ते जल्दी. सोचो अगर तुम, आपको कुछ डिलीवरी हो रही है किसी सामान की और 2 हफ्ते डिले हो तो कैसा फील होता है ना? 2 हफ्ते बहुत ज्यादा होते हैं स्पेसिफिकली आज के टाइम पर.
और यहाँ पे ये स्वेज कैनाल बनी है हमारे काम को और इजी करने के लिए। तो यहाँ से जो है वो हमने ट्रेड करना शुरू किया। अच्छा, जब हमने यहाँ से ट्रेड शुरू किया उस समय और कोई ऑप्शन थे ट्रेड के? बिल्कुल, एक तो हो गया ये लेंथी और दूसरा हो गया हमारा बाय रोड। बाय रोड भी हम जा सकते थे जिसमें बहुत सारा खतरा था क्योंकि आगे जो है वो डिफरेंट एम्पायर थे, उनको क्रॉस करना ही प्रॉब्लम थी। और दूसरा सोचो, एक कार्गो शिप जैसे कि एवर गिवन, उसमें 20,000 के अप्रॉक्स कंटेनर्स थे। अगर यही कंटेनर्स ट्रक के ऊपर जा रहे होते तो सोचो, एक कंटेनर के लिए एक ट्रक लगता और 20,000 के लिए कितने सारे ट्रक्स, कितना फ्यूल, कितना एरिया कवर करते वो हमारे रोड का, राइट? सो हम इमेजिन कर सकते हैं वो एक अकेला शिप कितना ज्यादा कार्गो, कितना ज्यादा सामान लेकर जा रहा था, राइट? एंड देन आगे चल के देखते हैं ये कैसे सब कुछ शुरुआत हुई और कैसे इस शिप ने जो है वो स्वेज कैनाल को ब्लॉक किया, राइट? तो पहले शिप के बारे में देखते हैं। ये सब स्टार्ट हुआ 23rd of March 7:40 AM इन द मॉर्निंग और स्वेज कैनाल से ये जो शिप था वो आगे जा रहा था। अच्छा, पहली बात हम देखें, इस शिप का नाम एवर गिवन है और इसकी जो लेंथ है दैट इज 400 meters। इसकी जो लेंथ है दैट इज 400 meters। यू नो व्हाट, कि जो ये हमारे कैनाल है स्वेज कैनाल, इट इज जस्ट अप्रॉक्स 300 meters वाइड। ये सिर्फ 300 meters वाइड है और इसीलिए आपने देखा है कि ये कैसे इस तरह से अटका हुआ था यहाँ पर, क्योंकि जो शिप की लेंथ है वो इसकी चौड़ाई से ज्यादा थी, दैट इज 400 meters। 400 meters कितना होता है? आईफिल टावर से भी बड़ा है ना। आईफिल टावर अप्रॉक्स 320 के आसपास है और ये जो है वो 400 meters का है। इतनी इसकी लेंथ थी। यू नो, हमने टाइटेनिक के बारे में सुन रखा है, टाइटेनिक अपने टाइम का बहुत बड़ा शिप हुआ करता था और ये जो शिप था, हमारा शिप है हमारा एवर गिवन, ये टाइटेनिक से ऑलमोस्ट डबल था, ऑलमोस्ट डबल था। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना बड़ा शिप था, राइट? एंड देन हुआ क्या था, ये शिप कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये शिप जा रहा था चाइना से नीदरलैंड, चाइना से नीदरलैंड जा रहा था। रॉटरडैम पहुंचना था इसे, रॉटरडैम पोर्ट पहुंचना था इसे। और ये जब यहां से गया तो ये हार्डली स्वेज कैनाल में सिर्फ 11 किलोमीटर आगे ही पहुंचा था, सिर्फ 11 किलोमीटर आगे पहुंचा था। और वहां पर जाकर आगे लो विजिबिलिटी की वजह से और सैंडस्टॉर्म और स्टॉर्म की वजह से जो है तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से इसके जो ऊपर कंटेनर लगे हुए थे शिप के ऊपर, वो कंटेनर ने सेलिंग का काम किया और उसने जो है वो शिप को ऐसे टिल्ट कर दिया और शिप जाकर इस तरह से फंस गया जिस तरह से हमें वो दिखाई देता है, राइट? फंसा हुआ इतने टाइम से, तो ये ऐसे यहां पर जाकर फंस गया। डन। अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी सैंड थी, इसके नीचे यहाँ बहुत सारी सैंड थी और ये सैंड में धंस गया बहुत दिनों तक। काफी दिनों तक क्या हुआ, उसके सैंड को हटाते रहे, आपने देखा होगा जेसीबी उसके सैंड को हटा रही थी और बहुत सारे मीम्स बने थे उसके ऊपर। सो वो सब हो रहा था, बहुत सारे अदर शिप इसको यहाँ से खींच रहे थे, दूसरी तरफ से भी खींच रहे थे ताकि ये लाइन पर आ सके। और ऐसा ऐसा क्यों था, इतने लोग क्यों परेशान थे? उसकी परेशानियों की बहुत सारी वजह थी। फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे शिप स्ट्रैंडेड थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्रॉक्स 400 ship, 350 to 400 ship तो यहीं खड़े थे जो वेट कर रहे थे कि ये कब हटेगा और हम निकलेंगे। जिन शिप में कंटेनर शिप भी थे, बल्क कैरियर भी थे, ऑयल टैंकर्स भी थे और गैस वेसल्स भी थी, राइट? तो ये वेट कर रहे थे ताकि ये यहाँ से जा सकें, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रेड का नुकसान हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें स्वेज कैनाल से, हर साल 19,000 के आसपास शिप निकल कर जाते हैं और सोचो इसको ब्लॉक करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड रुक गया था। विथ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1.2 billion ton, इतना सामान वहां से जाता है, 12% ऑफ टोटल ग्लोबल ट्रेड अकेला स्वेज कैनाल से होता है ना, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड स्वेज कैनाल से होता है अकेला। एंड इतने सारे गुड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, 1/8 ऑफ ऑल गुड ट्रांसपोर्टेड थ्रू सी अकेले स्वेज कैनाल से होते हैं, यू नो। एंड 50% शिप जो स्वेज कैनाल से जाते हैं वो कार्गो शिप होते हैं, कंटेनर शिप होते हैं, और सिर्फ 18% शिप जो है वो ऑयल कैरी करते हैं यहाँ से, है ना। तो फिर इतना कुछ जो है वो हमने, इतने बड़े बड़े शिप हमने बनाए क्यों हैं, जब हमें पता है कि हमारी जो कैनाल है स्वेज कैनाल, उसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 300 meters है। तो हमने 400 meters के वहां पर 400 meters के कंटे शिप जो है
उनको तक जाने की परमिशन है, 400 इज द मैक्सिमम लिमिट वहां पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने शिप को बढ़ाते जा रहे हैं, शिप के जो साइज है वो तो हम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि उनके ऊपर जो कंटेनर्स आते हैं वो ज्यादा आ सके, है ना। ज्यादा कंटेनर मतलब हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। हम सोचो एक ही शिप के ऊपर 20 और कंटेनर रख सकते हैं अगर हम, तो उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, 20 और कंटेनर उसके ऊपर भेज दो, हमें और फायदा हो जाएगा, है ना, हमें प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो घट जाएगी। तो हमारे शिप का साइज बड़ा होता जा रहा है लेकिन हमारे वाटरवेज जो है वो तो उतने ही है। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि क्या देयर इज अ नीड नाउ एक और स्वेज कैनाल की, या तो स्वेज कैनाल को जो है वो बड़ा किया जाए, चौड़ा किया जाए, या फिर एक और स्वेज नहर या उसका अल्टरनेटिव कुछ ढूंढा जाए। उसकी जरूरत है डेफिनेटली, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है स्पेसिफिकली यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, है ना। एंड देन फाइनली, अच्छा हुआ क्या, फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि ये जो 22,20,000 टन का एवर गिवन शिप था वॉज फाइनली फ्रीड आफ्टर मेजर सेल्वेज ऑपरेशन। बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद इसको फाइनली फ्री कर दिया गया, और 30,000 क्यूबिक मीटर का तो सिर्फ वहां से मड और सैंड हटाया गया था। अब फाइनली हम अपने सिर्फ इस शिप के ऊपर आते हैं कि ये जो शिप था इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, मे बी पेपर में वही पूछ लिया जाए। तो शिप के बारे में आपने जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि ये जो शिप है दिस वॉज अ जैपनीज ओन्ड शिप। ये एक जापानीज ओन्ड शिप था जो जापान, यू नो, ये जो शिप था ये अपने आप में एक ग्लोबल शिप था। इसको बनाया जापान की कंपनी ने था, लेकिन इसको ऑपरेट ताइवानी कंपनी कर रही थी जिसका नाम था एवरग्रीन मरीन। आपने देखा होगा शिप के ऊपर एवरग्रीन लिखा हुआ था, दैट एवरग्रीन वॉज द नेम ऑफ द कंपनी जो ताइवानी कंपनी इसको ऑपरेट कर रही थी, उसका नाम था एवरग्रीन मरीन। लेकिन इस शिप का खुद का नाम एवरग्रीन नहीं था, इसका खुद का नाम था एवर गिवन। Ever Given was the name of the ship, and most important thing, इसके सारे crew members जो कि 25 थे, all the members were Indians. तो अपने आप में global हो गया, Japanese ship, Taiwanese company operate कर रही है, और जितना भी crew था वो सब Indian था, right? So ये आपने इसके बारे में याद रखना है। हो सकता है paper में आपको question आ जाए कि what was the name of the ship जो कि Suez Canal में फंस गया था, और अब कहीं गलती मत कर देना, Evergreen मत करना, the name of the ship was Ever Given, right? That is it. I'll come soon with another topic. Thank you so much.